दोस्तों सभी फोन में ये डेवलपर ऑप्शन होता है। डेवलपर ऑप्शन में देखिए बहुत सारे सेटिंग ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं। उन सेटिंग से फोन तेजी से चार्ज होगा, बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगा, बैटरी लॉन्ग टाइम चलेगा। आज इस वीडियो में डेवलपर ऑप्शन में ऐसे पांच हिडन सेटिंग्स बताऊंगा, उन सेटिंग्स को करके फोन को तेजी से चार्ज कर सकते हो, बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगा, बैटरी लॉन्ग टाइम चलेगा। अगर आप जानना चाहते हो डेवलपर ऑप्शन के उन पांच हिडन सेटिंग्स के बारे में तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए एंड्रॉयड ट्रिक्स, ये छोटा सा कमेंट लिखकर ज़रूर से सेंड कर देना। दोस्तों आज इस वीडियो में फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन में पांच हिडन सेटिंग्स बताऊंगा। उन सभी सेटिंग्स को करने के बाद फ़ोन में बैटरी दुगनी तेज़ी से चार्ज होगा, बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, बैटरी लॉन्ग टाइम चलेगा। फ़ोन में सेटिंग्स ओपन कीजिए, फिर नीचे ये नीचे ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग सेलेक्ट करना है। नीचे देखिए ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शन, अगर Xiaomi या फिर Realme फ़ोन यूज़ करती हो, एडिशनल सेटिंग या फिर एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको ये डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा। कुछ फ़ोन में पहले से डेवलपर ऑप्शन ऑन होता है और कुछ फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होता है। अगर आप फ़ोन के सेटिंग में जाओगे, अबाउट फ़ोन सेलेक्ट करोगे, वहाँ पर बिल्ड नंबर या फिर वर्जन के नाम से ऑप्शन होगा, उसके ऊपर 7 times टच करना है और आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा। डेवलपर ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेटिंग ऑप्शंस हैं। पहला सेटिंग यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल चार्जिंग। दोस्तों जब भी आप फ़ोन चार्ज पे लगाती हो, फ़ोन में यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले लाइट ऑन रहता है, जिससे फ़ोन गर्म होता है और ये आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज होने नहीं देता है और बैटरी बैकग्राउंड में ड्रेन होता है। कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल चार्जिंग ये ऑप्शन ऑफ करना है। देखिए यहाँ पर चार्जिंग यानी ये सेटिंग चार्जिंग के रिलेटेड है, ये सेटिंग ऑफ करना है। ये था पहला सेटिंग। फिर नीचे आइए, नीचे देखिए ऑप्शन है रनिंग सर्विसेज, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स रन कर रहे होंगे वो सारे ऐप्स यहाँ पर शो करेंगे। मान लीजिए व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहे हो लेकिन व्हाट्सएप आपके बैकग्राउंड में रन कर रहा है, जिस वजह से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। व्हाट्सएप फिलहाल यहाँ पर रन करना चाहिए, जैसे बाकी ऐप्स हैं देखे होंगे आपने बहुत सारे ऐप्स से नोटिफिकेशन आते हैं। जब ऐप्स यूज़ नहीं करते हो तब भी नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में वो इंटरनेट एक्सेस करते हैं, बैटरी कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से बैटरी फास्ट चार्ज नहीं हो पाता है और इंटरनेट भी यूज़ होता है। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ऐप सेलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शन है स्टॉप, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसे स्टॉप कीजिए और यहाँ पर देखिए ये हट जाएगा। इस तरीके से बैकग्राउंड फ्री कर सकते हो ताकि फ़ोन फास्ट चार्ज हो। यह था सेकेंड सेटिंग। फिर नीचे आना है, नीचे आइए और नीचे आइए नेटवर्क कैटेगरी में आना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव, यह ऑप्शन ऑन रहता है। यह ऑप्शन ऑन होने की वजह से क्या होता है, जब आप फ़ोन में इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे तब भी यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐप्स इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, जिस वजह से फ्लिपकार्ट अमेजोन ऐसे बहुत सारे ऐप्स से अननेसेसरी नोटिफिकेशन आते हैं। जब आप ऐप नहीं भी यूज़ करते हो तब भी इंटरनेट आपके फ़ोन में हमेशा ऑन रहता है, यह ऑप्शन ऑफ करना है ताकि जब आप इंटरनेट यूज़ करो तभी इंटरनेट एक्सेस हो, उसके बाद इंटरनेट ऑन ना हो। यह ऑप्शन ज़रूर से ऑफ करना है ताकि बैटरी यहाँ पर फास्ट चार्ज हो। यह था तीसरा सेटिंग। अभी बार से नीचे नीचे आना है, सीखिए और नीचे आइए, नीचे आना है, नीचे चलते आइए, नीचे चलते आइए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डोंट कीप एक्टिविटीज़, और यह ऑप्शन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, जब भी आप कोई भी ऐप यूज़ करती हो, जैसे ऐप से बाहर आती हो फिर भी वो ऐप बैकग्राउंड में रन करता है और बैटरी कंज्यूम करता है और इंटरनेट भी डेटा यूज़ करता है। जैसे ये सेटिंग ऑन करोगे डोंट कीप एक्टिविटीज़, अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उस एप्लीकेशन से बाहर आते हो वैसे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में बंद हो जाएगा, बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, जिससे बैटरी कंज्यूम नहीं होगा और इंटरनेट भी आपका सेफ होगा। यह था नंबर चार सेटिंग। फिर नीचे आइए, नीचे देखिए ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहाँ पर सेलेक्ट करना है और ये स्टैंडर्ड लिमिट में सेट होगा, यानी अनलिमिटेड ऐप्स आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में रन करेंगे, जिससे आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन होगा और इंटरनेट डेटा भी यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए कितने ऐप्स आप यहाँ पर रन करना चाहती हो, एट मोस्ट वन प्रोसेस यानी एक ऐप। तो यहाँ से क्या करना है आपको, नो बैकग्राउंड प्रोसेस ये करना है।
जो भी ऐप्स यूज़ करोगे सिर्फ वही ऐप्स आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में रन करेगा, उसके अलावा और कोई ऐप्स आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, जिससे बैटरी ड्रेन नहीं होगा। अगर आप डेवलपर ऑप्शन में इन पांचों सेटिंग को कर लेते हो, यकीन मानना आपके फ़ोन में बैटरी सुपर फास्ट चार्ज होगा, काफ़ी तेज़ी से चार्ज होगा, दुगनी तेज़ी से, और बैटरी जल्दी डाउन भी नहीं होगा और लॉन्ग टाइम बैटरी यूज़ कर पाओगी। एक बार प्रैक्टिकली ये सेटिंग ट्राई करके देखना, फिर मुझे आकर कमेंट में बताना ये सेटिंग वर्किंग है या फिर नहीं है। ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, मुझे उम्मीद है ज़रूर से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।